हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे आप सब, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल। एंड जैसे कि आपको पता है कि रियलमी यूआई 2.0 जो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 है, वो रीस्केड्यूल कर दिया गया है क्वार्टर 2 के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस थी जिनके लिए मतलब काफ़ी सारे लोग वेट भी कर रहे थे। इनफैक्ट उनमें से मैं भी हूँ जो अपनी डिवाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था। रियलमी 3 प्रो यहाँ पर अप्रैल में लिखा हुआ था, जो कि मैं अपनी डिवाइसेस यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर रियलमी 3 प्रो में अप्रैल के मंथ में जो अपडेट है वो देखने को मिलने वाला था। लेकिन इन्होंने सारी डेट्स यहाँ पर चेंज कर दी। आप देख सकते हो कि इन्होंने जो डेट थी वो शिफ्ट कर दी जून के मंथ में। अब ये काफ़ी गलत तरीका है, यहाँ पर एकदम से इन्होंने रीस्केड्यूल कर दिया। अप्रैल में इन्होंने रियलमी X7 प्रो के लिए रखा है, और रीस्केड्यूल करने के बाद आप देख सकते हो कि मई में X7 और रियलमी C15 क्वालकॉम एडिशन रखा है। उसके बाद यहाँ पर 3 प्रो, 5 प्रो, नार्जो 20A, XT और X-Core रखा है। उसके बाद क्वार्टर 3 में यहाँ पर नार्जो 30 प्रो और नार्जो 30A को रखा है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक जो रोड मैप निकाला है इन्होंने। अगर क्वार्टर 2 में डेट्स चेंज भी करनी थी, कुछ डिवाइसेस ऐड भी करनी थी, तो यहाँ पर जो डिवाइसेस पहले से ही अप्रैल में लगी हुई थी उनको यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इनको ऐड करना था तो और भी डिवाइसेस अपने नेक्स्ट मंथ में ऐड कर सकते थे। आई डोंट नो, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर 2 में लिखा हुआ है कि रियलमी X और XT और ये सारी डिवाइसेस जो थी वो अप्रैल के लिए स्केड्यूल्ड थी। तो अभी यहाँ पर इन सभी को मतलब काफ़ी नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि रियलमी 3 प्रो, 5 प्रो और XT, X ये जो डिवाइसेस हैं सबके पास, इन सब में जो अपडेट है वो डिले कर दिया गया है। तो ये गलत है, बट जो भी है, अब ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप न्यू डिवाइसेस लो, तभी आपको जो नया सॉफ्टवेयर है वो जल्दी देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट ये है कि आपको डिले देखने को मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये तरीका सही है। जो डिवाइसेस जिस मंथ में स्केड्यूल थी उसको वहीं पर रखना चाहिए था। अगर इनको डिवाइसेस ऐड करनी थी तो वो अपनी डिवाइसेस अगले मंथ में ऐड कर लेते। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये जो अर्ली एक्सेस जो रोड मैप इन्होंने रीस्केड्यूल किया है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस यही कहना था मेरा। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, तो जा करके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ फॉलो कर लेना और लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।